हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक एग्जाम यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं कटिंग टूल एंड ऑपरेशन की एमसीक्यू क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चन पिछले प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो दोस्तों, ये हमारा चौथी क्लास है, जो हमारी तीन क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके वॉच कर सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार देख रहे हो, तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। यहां पर है फर्स्ट क्वेश्चन, बोला जा रहा है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल हैज अ रेक्टेंगुलर शेप विथ टीथ ओनली एट द बॉटम फेस। यहां पर बोल रहा है कि निम्नलिखित फाइल में से वह कौन सी रहती है, कौन सी फाइल है जिसका शेप आयताकार होता है और जिसमें सिर्फ बॉटम फेस निचली सतह पर दांते होते हैं, तो वह हमारी कौन सी फाइल होती है। आपने अगर पढ़ी होगी स्पेशल फाइल में, तो आपको एक फाइल दिखी होगी टिंकर फाइल, आपने देखा होगा। टिंकर फाइल की हम ऑटोमोबाइल की जो बॉडी होती है उसमें टिंकरिंग करने के बाद फिनिशिंग करने के लिए टिंकर्स फाइल का यूज करते हैं। तो फर्स्ट पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा डी, इज द राइट आंसर हो जाएगा टिंकर फाइल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पर बोल रहा है विच टाइप ऑफ स्क्रैपर इज सूटेबल फॉर रिमूविंग लार्जर क्वांटिटी ऑफ चिप्स। यहाँ पर बोल रहा है किस प्रकार के स्क्रैपर से अधिक मात्रा में चिप हटा सकते हैं, चिप्स को यानी कि धातु को अधिक मात्रा में किस स्क्रैपर से हम रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा फ्लैट स्क्रैपर, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैं हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ कि मेरे आंसर देने से पहले प्रत्येक क्वेश्चन का आप आंसर देने की कोशिश करें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है, आप कितने पानी में हो। तो आप आंसर को कमेंट करने की कोशिश करें, जो भी क्वेश्चन है उसका सबसे पहले आप आंसर दें, उसके बाद मेरे आंसर को देखें, तो आपको जाना अच्छा रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री यहाँ पर है विच वन ऑफ द फॉलोविंग स्पेशल टाइप ऑफ फाइल इज यूज प्राइमरली एज अ फिनिशिंग टूल। रेतियों को निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट प्रकार प्राथमिकता तौर पर फिनिशिंग औजार के रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि फिनिशिंग टूल के बारे में कि वह कौन सी स्पेशल फाइल है। यहाँ पर स्पेशल फाइल के बारे में पूछ रहा है, और आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे वो पूरे के पूरे स्पेशल फाइल ही देखने को मिलेंगे। जो हमारी सुस पैटर्न रहती होती है वो भी स्पेशल फाइल है, पिलर रहती होती है वो भी स्पेशल फाइल, ड्रेड नोट रहती है हमारी स्पेशल फाइल है, एंड बायोटिंग फाइल भी हमारी क्या होती है, स्पेशल फाइल होती है। तो स्पेशल फाइल में वह कौन सी फाइल है जो स्पेशली फिनिशिंग के लिए यूज की जाती है या फिनिशिंग शेप बनाने के लिए यूज की जाती है। तो मैं आपके लिए बताना चाहूँगा, वो हमारी रहती होती है सुस पैटर्न फाइल, यानी कि इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सुस पैटर्न फाइल के अंतर्गत कई रहती आती हैं, जैसे कि लाइक हमारी हो गई क्रॉसिंग फाइल, जिसे कि हम फिशबैक फाइल ही बोलते हैं। अगर यहाँ पर क्रॉसिंग फाइल ऑप्शन होता तो हमारा क्रॉसिंग फाइल इज द राइट आंसर हो जाता। आपको ध्यान से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे वीडियो देखने वाले स्टूडेंट्स या भाई लोगों के मन में कोई भी डाउट ना रहे, इसलिए मैं क्वेश्चन को डिटेल में बताता हूँ, पूरे डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप अगर इमेज देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए इमेज भी दिखा देता हूँ, सुस पैटर्न फाइल की इमेज क्या होती है। नॉर्मली आपने देखा होगा, जैसे कि क्रॉसिंग फाइल आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, उसी आकार की हमारी सुस पैटर्न फाइल होती है। जैसे क्रॉसिंग फाइल का कुछ शेप इस प्रकार रहता है, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, एक साइड वक्राकार रहता है और एक साइड हमारा कम वक्राकार रहता है। तो इस प्रकार कुछ क्रॉसिंग फाइल का हमारा शेप रहता है, आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर सुस पैटर्न फाइल हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर, इसका आंसर देने की कोशिश करें। यहाँ पर बोल रहा है कि विच स्क्रैपर इज यूज इन स्क्रैपिंग इज होल्स ऑफ स्मॉल डायमीटर एंड कॉम्प्लेक्स एंगल। यहाँ पर बोल रहा है छोटे व्यास और जटिल कोणों वाले क्षेत्र की खुरचन के लिए, स्क्रैपिंग के लिए निम्नलिखित में से किस स्क्रैपर का हम यूज करेंगे। गाइज, यहाँ पर आंसर देने की कोशिश करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ऑप्शन यहाँ पर चार देखने को मिल जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लैट स्क्रैपर, सेकंड ऑप्शन है हुक स्क्रैपर, थर्ड ऑप्शन है ट्रायंगुलर स्क्रैपर, फोर्थ ऑप्शन है बुल नोज स्क्रैपर। क्या आप चाहते हो कि हम इस जो 2000 एमसीक्यू सीरीज है हम इसको लाइव डिस्कस करें, जिससे कि आप इसका लाइव आंसर बता सको। अगर आप चाहते हो कि इसको लाइव डिस्कस किया जाए तो कमेंट करिएगा, हम आपके लिए लाइव डिस्कस करेंगे, ताकि आप इसका आंसर कमेंट लाइव दे सको, लाइव चैट कर सको, ठीक है, अपने डाउट पूछ सको। अगर आप चाहोगे, अगर आप कमेंट करो, तो हम आपके लिए जो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ की मैं रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए देता हूं, मैं लाइव डिस्कस कराना स्टार्ट कर दूंगा। आप कमेंट कर सकते हो अपनी इच्छा अनुसार, जो आपको चाहिए, रिकॉर्डेड चाहिए, लाइव चाहिए। यहां पर मैं आंसर बता देता हूं, हमारे त्रिभुजाकार खुरचनी यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ट्रायंगुलर स्केल कोई भी यहां पर हम जटिल कार्य यानी कि कोई भी जटिल कोण, एंगल यहां पर कह रहा है, एंगल जहां बात आ जाती है एंगल की, वहां पर हम त्रिभुजाकार खुरचनी यानी कि ट्रायंगुलर स्केलर का यूज करेंगे। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर,
यहाँ पर बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाइल्स यूज फॉर फाइलिंग सॉफ्ट मटेरियल लाइक वुड एंड लेदर। यहाँ पर बोल रहा है निम्नलिखित में से वह कौन सी रहती है जो नम सॉफ्ट पदार्थों जैसे लकड़ी और चमड़ी की रेताई करने के लिए उपयोग की जाती है। तो आपके लिए इस क्वेश्चन का आंसर तो देना ही होगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हो तो आपकी बहुत कम बहुत लो तैयारी, आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की तैयारी है। आपके पास चार ऑप्शन है, सिंगल कट, डबल कट फाइल, रास्प कट फाइल एंड डी है कर्व कट फाइल। तो मैंने आपके लिए फाइल के बारे में जो हमारा डिटेल लेक्चर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था फाइल के बारे में, आपको कोई भी डाउट वहाँ पर नहीं छोड़ा था। अगर आपने डिटेल लेक्चर देखा है और आपको याद है तो आप तुरंत इसका आंसर कर दिए होगा, कमेंट में सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रास्प कट फाइल जो हमारी होती है वो लकड़ी व चमड़े की फाइलिंग करने के लिए यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है स्पेस बिटवीन द बैक ऑफ ऑन टीथ एंड फेस ऑफ द फॉलोइंग टूथ इज कॉल्ड। यहाँ पर बोल रहा है एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच के चिप के स्थान को क्या कहते हैं। बहुत यूनिक क्वेश्चन है गाइज, आपने किसी थ्योरी में कभी नहीं पढ़ा होगा। इसका आंसर आप देने की कोशिश करिए, तुक्का भी लगाने की कोशिश करिए, अगर आपको तुक्का सही लगता है तो आप एग्जाम में तुक्का उस हिसाब से लगा सकते हो। लेकिन इसका आंसर करेक्ट आंसर डिटेल में आपके लिए बताने वाला हूँ क्या होता है। यहाँ पर इसका आंसर आपको ऑप्शन सबसे पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा फ्लूट यानी कि नाली, यहाँ पर हो जाएगा रिलीफ कॉल्ड सी, इसी आपको मिल जाएगा रिलीफ कॉल्ड, बी मिल जाएगा आपको लैंड और सी डी मिल जाएगा आपको क्रैश डेप्थ। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच के चिप को स्थान को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहते हैं गाइज फ्लूट, जो हमारे देखिए यहाँ पर कोई हेक्सा ब्लेड है, यहाँ पर एक दांत के पीछे और अगले दांत के अग्र के बीच के चिप के स्थान को बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारी मान लो कि ब्लेड है या कोई ड्रिलिंग है या हमारा ड्रिल है, तो जैसे कि कोई दांत, जैसे कि हमारे ब्लेड में ही हम दांत ले लेते हैं, हमारी ये ब्लेड है, ये हमारे ब्लेड के दो दांते हैं। यहाँ पर बोल रहा है एक दांत के पीछे, इस दांत का पीछे वाला हिस्सा ये हो गया, और बोल रहा है अगले दांत के आगे के चिप, यहाँ पर ये अगले दांत का ये हिस्सा हो गया, इसके बीच के स्थान को क्या हम कहेंगे, इसके बीच के स्थान को फ्लूट कहेंगे यानी कि नाली कहेंगे। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। गाइज यहाँ पर आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है यहाँ पर आप इंग्लिश में ध्यान मत दीजिए, इसमें मिस टाइप हो गया, तो यहाँ पर आप हिंदी में देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइज, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे समझना है, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो लास्ट तक देखिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और पहले पूछे गए हैं, बहुत यूनिक क्वेश्चन है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिले होंगे। अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो आप बहुत कुछ सीख पाओगे। यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिए गए एंगल बिंदु कर्तन औजार के कटिंग एंगल के एकल बिंदु यानी कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में रैक कोण 15 डिग्री आपका एंड आपका क्लियरेंस कोण 5 डिग्री है, तो आपको क्या पता लगाना, बेज कोण का पता लगाइए। यहाँ पर बोल रहा है कि बेज कोण बताइए, बेज एंगल आपका क्या होगा। गाइस ध्यान से समझना, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है एंड आपको यहाँ पर रैक कोण दे दिया है 15 डिग्री एंड आपको यहाँ पर क्लियरेंस एंगल दे दिया है 5 डिग्री। क्लियरेंस एंगल क्या दे दिया, 5 डिग्री। तो मैं आपके लिए नॉर्मली बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से फिगर से आपको फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ। यहाँ पर हम एक देखिए इस प्रकार से फिगर को ड्रॉ करेंगे, ये हमारा कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यहाँ पर हो गया, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया, ठीक है। तो हम आपके लिए पता होगा क्लियरेंस एंगल एंड आपका बेज एंगल एंड रैक एंगल क्या होता है। देखिए यहाँ पर जो इस सतह यानी कि जो हमारा टूल होता है, टूल की निचली सतह और जॉब की वर्किंग सरफेस के बीच जो एंगल बनता है वो हमारा होता है गाइज क्लियरेंस एंगल। क्या होता है, क्लियरेंस एंगल होता है। और जो टूल की ऊपरी सतह और जो वर्किंग यानी कि जॉब की वर्किंग सतह के बीच जो एंगल बनता है, ए वाला एंगल जो बनेगा आपका, ए वाला एंगल बनेगा, ए आपका हो जाएगा रैक कोण। क्या हो जाएगा, रैक एंगल, रैक एंगल आपका हो जाएगा। और आपका ए जो एंगल बनता है यहाँ पर बीच का जो एंगल बनता है, जिसे हम पॉइंट एंगल या लिप एंगल बोल सकते हैं, इसी को बेज एंगल बोलते हैं। इस एंगल को हम ये दोनों के बीच जो हमारे यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बनता है इसे हम बोलते हैं बेज एंगल। तो आपके लिए पता होना चाहिए, आप खुद आप यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके लिए 15 डिग्री एंड 5 डिग्री दिया है, यहाँ पर वैल्यू कुछ भी दे सकता है और आपका वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आंसर निकल के आएगा, अलग अलग आंसर निकल के आएगा वैल्यू के अनुसार। क्योंकि आपके लिए पता होगा जैसे कि हमारा यहाँ से देखिए, मैं थोड़ा सा कलर चेंज आपके लिए करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा है ये कितना डिग्री, ये जो है हमारा 90 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनेगा, यहाँ पर हमारा एंगल बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ से हमारा 15 डिग्री कम ए हो गया और हमारे यहाँ से 5 डिग्री कम ए हो गया।
तो हमारा कितना कम हो गया, 15 और 5 20, पूरा है 90 डिग्री। पूरा जो एंगल मैंने बताया है, ये जो एंगल आपका होता है वो होता है बेज एंगल। तो आपके लिए 90 डिग्री माइनस यहाँ पर कर देंगे अगर 20 डिग्री, तो हमारे यहाँ पर निकल के आ जाएगा 70 डिग्री। तो हमारा बेज एंगल यहाँ से निकल के आ जाएगा 70 डिग्री 70 डिग्री। तो आपको इसी प्रकार अगर यहाँ से यहाँ पर आपका 10 दे देता है, यहाँ पर आपका 5 दे देता है, या यहाँ पर 8 दे देता है, तो कुछ भी वैल्यू रहेगी आप आसानी से वहाँ पर निकाल पाओगे। आई होप कि आपको बेज एंगल निकालना अच्छे से आ गया होगा, कोई भी डाउट आपका नहीं बचा होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे द्वारा प्रोवाइडेड क्वेश्चन पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और मैं आपके लिए बता दूं, बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो वीडियो देखते हैं, लेक्चर देखते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर सकते। आप यहाँ पर देख सकते हो 75% जो स्टूडेंट हैं वो अनसब्सक्राइबर वॉच करते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प हो सके, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लग रहा है। इतना अच्छा कंटेंट आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, कोई एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि आपके और भी भाई लोगों को इस वीडियो को माध्यम से हेल्प हो सके, और उनकी भी फ्री में इतना अच्छा कंटेंट मिल सके। आप पेड कोर्स भी खरीदोगे, शायद ही उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को ना मिलें, बट एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद यहाँ पर टाइप किए गए, बहुत मेहनत के बाद, और आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए क्या बोल रहा है। इज द पोर्शन ऑफ द फाइल विच फिट इनटू द हैंडल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइल का बाह्य भाग बताएगी जिसमें हम हैंडल फिट करते हैं, तो बाह्य भाग आपका हो जाएगा टैंक। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मेनी टीथ आर कट ऑन रफ फाइल, यानी खुरदरी रेती पर कितने दांती कटे होते हैं। तो मैंने आपके लिए जो हमारे मैंने आपको डिटेल लेक्चर में बताया था कि अगर आप कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, अगर रफ फाइल पूछता है, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम टीथ देखना है किस में दिए गए। तो आप यहाँ पर देखोगे 30 से 40, यहाँ पर देखोगे 80 से 100, यहाँ पर देखोगे 40 से 65, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सबसे कम क्या है, 22 25। तो हमारा एज द राइट आंसर हो जाएगा। और जब आपको यहाँ पर स्मूथ फाइल की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा टीथ वहाँ पर देखना है। अगर आपको टीथ याद नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार से आप ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर बता सकते हो। हमारा इसका 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एज द राइट आंसर हो जाएगा 20 से 25 टीथ पर इंच। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है इन अ सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट एट एन एंगल टू द सेंटर लाइन ऑफ द फाइल, यानी कि यहाँ पर बोल रहा है एक सिंगल कट फाइल जो हमारी होती है, उसके जो दांते कटे होते हैं वो कितने कोण पर, कितने एंगल पर कटे होते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छे से पता होगा कि 60 डिग्री पर दांते कटे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है कि फाइल इज कॉर्नर फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन, क्या बोल रहा है कि हम फाइलिंग इज डन फॉर स्मूथर कटिंग एक्शन, कि वह प्रक्रिया बताइए जिससे कि हम फाइलिंग स्मूथ फाइलिंग कर सकते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया जिससे हम स्मूथ फाइलिंग कर सकते हैं, यानी कि फिनिशिंग फाइलिंग कर सकते हैं, तो वो हमारी होती है ड्रॉ फाइलिंग। जब हम ड्रॉ फाइलिंग करते हैं, तो हमारे जॉब पर फिनिशिंग आती है। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मेटल पार्टिकल स्टक इन द टीथ प्रोड्यूस स्क्रैप ऑन द जॉब सरफेस द डिफेक्ट इज कॉल्ड, यानी रेती के दांते में जब कोई चिप्स हमारा फंस जाता है, तो उस दोष को हम और हमारे जॉब पर खरोच पैदा करने लगता है, उस दोष को हम क्या कहते हैं। उस दोष को हम कहते हैं पिनिंग ऑफ फाइल या पिनिंग फॉल्ट। यहाँ पर पिनिंग ऑफ फाइल या पिनिंग फॉल्ट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। पिनिंग ऑफ फाइल या पिनिंग भी ओनली लिखा होता है, पिनिंग ऑफ फाइल भी लिखा मिल जाएगा आपको, पिनिंग फॉल्ट भी देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, और आपको जो भी ऑप्शन मिले आपको राइट आंसर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13, स्क्रैपर इज यूज टू स्क्रैप राउंड और कर्व सरफेस एंड टू रिमूव शार्प कॉर्नर एंड बर। यहाँ पर बोल रहा है गोल या वक्र सतह को खुरचने के लिए और तीक्ष्ण कोनों तथा बर को हटाने के लिए खुरचनी, यानी स्क्रैपर का हम प्रयोग करेंगे। कौन से स्क्रैपर का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बोल रहा है गोल या वक्र सतह, क्या बोला है गोल या वक्र सतह और तीक्ष्ण कोने। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप गलत कर सकते हो, यहाँ पर आपको ध्यान देने की वाली बात है। यहाँ पर बोला शार्प कॉर्नर को यहाँ पर और बर को भी हटाना, तो हम वहाँ पर शार्प कॉर्नर में, जहाँ पर भी हमारी शार्प कॉर्नर की बात होती है, तो वहाँ पर हम किस स्क्रैपर का यूज करते हैं, गाइस ट्रायंगुलर स्क्रैपर का यूज करते हैं। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे बोला जा रहा है स्मूथ टीथ ऑफ अ हेक्सा ब्लेड आर टुवर्ड आई लेफ्ट एंड सम ऑन द राइट साइड अल्टरनेट
स्मूथली सो दैट इट मे रन स्मूथ इन द स्लॉट इट इज कॉल्ड। देखिए कितनी भाषा घुमाकर बोली जा रही है। देखिए छोटी सी परिभाषा को इतनी बड़ी बना दी गई कि आप पढ़ते पढ़ते कन्फ्यूज हो जाओगे। एग्जामिनर ऐसा ही करता है कि भाषा को बहुत ज़्यादा घुमा देता है और आप कन्फ्यूज जाते हैं। इसमें सीधा सीधा बोला, एक सीधी सीधी डेफिनेशन आपकी लिखी गई है, टीथ सेटिंग यानी दंत सेटिंग। इसमें बोल रहा है एक लोहा काटारी फलक के कुछ दांत विकल्पित बाएँ और कुछ दाएँ और होते हैं, यह एक स्लॉट में सुचारू रूप से चल सकते हैं। तो आपको पता है कि टीथ सेटिंग हम करते हैं, एक दांत दाएँ मोड़ देते हैं, एक दांत बाएँ मोड़ देते हैं, अगला दांत खड़ा रखा जाता है, फिर इसी प्रकार से हमारी चेन चलती रहती है, उसे हम कहते हैं टीथ सेटिंग या कि दंत सेटिंग। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है, द कटिंग एंगल ऑफ द फ्लैट चीजल फॉर चिपिंग ब्रास। आपको बोल रहा है कि फ्लैट चीजल का ब्रास के लिए कटिंग एंगल कितना होगा। तो आपके लिए पता होगा गाइज कि हमारा जो माइल्ड स्टील होता है उसके लिए आपका कटिंग एंगल होता है 55 डिग्री, और कास्ट आयरन के लिए आपका होता है 60 डिग्री, एंड आपका स्टील के लिए होता है 70 डिग्री या 65 डिग्री। और आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है ब्रास के लिए, तो ब्रास के लिए होता है आपका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। ब्रास के लिए आपका होता है 50 डिग्री इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोल रहा है, इन स्पॉट वेल्डिंग द टिप ऑफ द इलेक्ट्रोड इज मेड ऑफ। स्पॉट वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड की नोक किससे बनी होती है, इलेक्ट्रोड की नोक आपको बताना है किससे बनी होती है। इस क्वेश्चन का 16 नंबर क्वेश्चन का कमेंट करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ए है स्टेनलेस स्टील, बी है एल्यूमिनियम, सी है कॉपर, डी है ब्रास। देखिए इसका आंसर जो होता है, हमारी जो स्पेट बिल्डर में इलेक्ट्रोड की नोक जो टिप जो बनी होती है वो बनी होती है कॉपर से, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बट यहाँ पर मैं आपके लिए एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे आप राइट आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन का, जहाँ पर भी आपको ऐसे टूल देखते हैं जो हमारे हीट के बिना संभव नहीं हो सकते, उसमें हीट प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। तो आपके लिए पता हो कॉपर जो तावा जो हमारा होता है वो हीट का और ऊष्मा का एंड आपका विद्युत का अच्छा कंडक्टर, अच्छा सुचालक है। तो आपके लिए यहाँ पर कॉपर अगर ऑप्शन मिलता है, चाहे आपका सोल्डरिंग हो, ब्रेजिंग हो या स्पॉट वेल्डिंग, कुछ ऐसा आपके लिए दिखता है, कुछ भी आपको याद नहीं है, तब आपको वहाँ पर कॉपर कर देना है, तावा कर देना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पता है पढ़ लीजिए तो अच्छी बात है, मेरे डिटेल लेक्चर देखते रहिए, एंड आपको एमसीक्यू की हम सीरीज 2000 की सीरीज चला रहे हैं, इसको भी आप वॉच करोगे तो काफ़ी हेल्प होगी, ठीक है। अगर आपने अभी तक DRDO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड जो इंग्लिश मीडियम वाले छात्र हैं उनके लिए मैंने 500+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की PDF बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर वॉच करिए, ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है। और बाकी यूथ की बुक आपके पास होगी, अगर नहीं है तो उसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन चेक करोगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, एक बार चेक कर लीजिए, आपको जो भी स्टडी मटेरियल चाहेगा आपको मिल जाएगा, फुल स्टडी मटेरियल, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, द इलेक्ट्रोड टूल यूज्ड फॉर कटिंग PVC ट्यूब मेटल पाइप एंड मेटल फ्रेम इज कॉल्ड। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोल रहा है PVC ट्यूब धातु पाइप और धातु ढांचे को काटने के लिए उपयोगी उपकरण क्या है। यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शन मिल जाते हैं, मैलेट आपका हम जो लकड़ी का हथौड़ा होता है उसे बोलते हैं मैलेट, पोकर जो आपका होता है जो शीट मेटल वर्क में काम करते हैं भट्टी में से कूलर डालने और हटाने के लिए, यहाँ पर आपको मिल जाता है क्लो हैमर जो हमारे कील निकालने के लिए उपयोग किया जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है आपको हेक्सा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए क्योंकि हमारे कटिंग टूल से हम पाइप को काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, द टूल यूज्ड फॉर कटिंग फॉर थिन शीट ऑफ मेटल इज। ध्यान दीजिए थिन सीट, अगर सीट बोलते तो अलग आंसर होता और आपसे बोल रहा है थिन सीट यानी पतली सीट, पतली चादर को काटने के लिए यहाँ पर किस टूल का हम यूज करेंगे, किस कटिंग टूल का यहाँ पर यूज करेंगे। तो आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, साइड कटिंग प्लायर जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, साइड कटिंग प्लायर से हम सीट को नहीं काट सकते, वायर ओनली काट सकते हैं। यहाँ पर मिल जाएगा आपको कॉम्बिनेशन प्लायर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा सीयर, ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए, समझिए मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सी ऑप्शन मिल जाएगा आपका स्नेप, जो कि बिल्कुल 100% राइट आंसर है, परम सत्य आंसर है। स्नेप जो हमारी होती है उससे हम पतली सीटों की जहाँ बात आती है वहाँ पर हम स्नेप से पतली सीटों को काट सकते हैं, जो कि 3 mm से कम की अगर सीट है तो वहाँ पर पतली सीट होती है, ठीक है। और 3 mm से अगर अधिक मोटी सीट है वहाँ पर हम सीयर का यूज हमको करना पड़ेगा, सीयर से हम वहाँ पर सीट को काट पाएंगे, ठीक है। अगर सीट ओनली याद है तो आपको सीयर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन स्पेशली बोल दिया गया, एक विशेषता बता दी गई कि थिन सीट को आपको काटना है यहाँ पर कटिंग करनी, तो आपको स्नेप इज द राइट आंसर करना पड़ेगा, स्नेप इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर, विच चीजल इज यूज टू सेपरेट
सेपरेट मेटल आफ्टर चेन ड्रिलिंग। यहाँ पर बोला जा रहा है किसी छेनी का उपयोग कड़ी भरमाई के बाद यानी कि चेन ड्रिलिंग करने के बाद जो मटेरियल होता है बीच वाला मटेरियल हटाने के लिए हम किस चीजल का यूज करते हैं। तो आपके लिए पता होगा चीजल वाला जो मैं डिटेल लेक्चर प्रोवाइड कराया है उसमें अच्छे से बताया है। चीजल से लेकर कोई भी क्वेश्चन आएगा, जिसने भी डिटेल लेक्चर बात किया अच्छे से पढ़ा है वो कोई भी क्वेश्चन को ईजिली यहाँ पर आंसर दे सकता है। तो आपका वहाँ पर हो जाएगा वेब चीजल इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा आपका। वेब चीजल से हम क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पर चेन ड्रिलिंग क्या होती है आपके लिए पता होगा, ये हमारा कोई मेटल है यहाँ पर हमको ये बीच की धातु हटाना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 3 से 5 mm की दूरी पर कुछ हम ड्रिल कर लेंगे। ड्रिल करने के बाद जो हमारे बीच में जो धातु बचती है इसको हम वेब चीजल से हटाते हैं और हमारे बीच वाली धातु कट जाएगी, यहाँ पर हमारा स्लॉट बन जाएगा। इस प्रकार से हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है चूज मोस्ट एप्रिशिएट आंसर डिजायरेबल हार्डनेस इन अ फाइलेज। आपको एक सही आंसर चुनना है कि फाइल की हार्डनेस कितनी होती है। फाइल की हार्डनेस भाई साहब आपकी होती है 60 HRC इज़ द राइट आंसर। नोट कर लीजिए, मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि आप जब भी मेरे लेक्चर को बात करो तो आप एक कॉपी पेन लेके बात करिए ताकि आप जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को लिख सको, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। जो हमारा जब एग्जाम होगा उसके 15 से 20 दिन पहले आपको रिवीजन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो आप रिवीजन करने में आसानी रहे, जल्दी से आप रिवीजन कर सको। ठीक है, यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट अ फाइलिंग मेथड, यूज अ हैंड फाइलेट फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जो फाइलिंग विधि नहीं है। तो आपके लिए देखिए यहाँ पर 3 फाइलिंग विधि होती है, एक होती है स्ट्रेट फाइलिंग, एक होती है क्रॉस फाइलिंग, एक होती है ड्रॉ फाइलिंग। अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन अकॉर्डिंग टू फिनिशिंग के अनुसार हम वहाँ पर फाइलिंग की अलग अलग विधि का यूज करते हैं। जो अपसेट फाइलिंग यहाँ पर दी है ये बिल्कुल भी फाइलिंग ऑपरेशन नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द कटिंग एंगल फॉर अ डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल का कटिंग एंगल आपके लिए बताना है। तो डायमंड पॉइंट चीजल जो हमारी होती है उसका कटिंग एंगल होता है 60 डिग्री, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो आपकी हाफ राउंड चीजल होती है जिसे हम कहते हैं ऑयल ग्रुप चीजल, उसका होता है 35 से 45 डिग्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर द सरफेस बिहाइंड द कटिंग एज विच एक्सटेंड टू द रूट रेडियस इन केस ऑफ एन हेक्सा ब्लेड इज नाउ एज। देखिए हेक्सा ब्लेड से जो क्वेश्चन बना है बहुत ही यूनिक क्वेश्चन यहाँ पर बना है। आपके लिए ये क्वेश्चन किसी थ्योरी में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही देखने को मिलेगा, जो कि हमने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का निचोड़ सभी प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस इस PDF में आपके लिए दिया है। बहुत मेहनत लगी है, हमारी मेहनत की सफलता है आपका लाइक एंड आपका शेयर और सब्सक्राइब। आप ये 3 चीज़ें कर दीजिए हमको हमारी मेहनत का फल मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो आप इसमें पूछा जा रहा है कि अग्रभाग के पीछे का पृष्ठ जो हेक्सा ब्लेड के मूल त्रिज्या तक विस्तृत होता है किस नाम से जाना जाता है। देखिए आपको परिभाषा समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको इमेज पर ले चलता हूँ और आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लगाते हैं इसकी इमेज, तो देख सकते हो यहाँ पर हमारी इमेज लग चुकी है। यहाँ पर आपको एक हेक्सा ब्लेड की इमेज देखने को मिल जाएगी, ये हमारी पूरी की पूरी हेक्सा ब्लेड है। ठीक है, ये हमारी क्या है गाइज, हेक्सा ब्लेड है। हेक्सा ब्लेड के भाग आपके लिए पता होगा, इसे हम साइड बोलते हैं, इसे हम बैक एज बोलते हैं, इसे हम पिन होल बोलते हैं, इसे आपका टूथेड एच बोलते हैं, यदि दांतों वाली साइड बोलते हैं इसे हम सेंटर लाइन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपसे बोल रहा है कि क्या बोला जा रहा था क्वेश्चन में कि पीछे का भाग आगे का भाग आपको जैसी परिभाषा घुमाई जा रही थी, तो ये है आपका दांता। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा जूम करके इमेज में बताया गया है, ये है आपका एक दांता, इसके पीछे का भाग और दूसरे दांते की आगे की भाग की जो बीच की दूरी है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फ्लैंक, इसे हम क्या कहते हैं फ्लैंक, और इससे हम कहते हैं कटिंग एज। और आपको यहाँ पर रूट रेडियस आपसे बोला था, रूट रेडियस जो ऊपर का जो रेडियस होता है, अगर आप दांतों को ध्यान से आप देखोगे, थोड़ा सा मैं जूम यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए यहाँ पर जूम मैंने कर दिया है, यहाँ पर जब आप दांतों को ध्यान से देखोगे तो थोड़े से वो घुमे हुए रहते हैं, कुछ ना कुछ रेडियस उनका रहता है। तो ये आपसे पूछ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूट रेडियस और ये हमारा हो जाएगा फेस। यहाँ पर आपको इस दूरी की डेफिनेशन लिखी गई है, यानी कि पहले दांते के पीछे का भाग एंड दूसरे दांते के आगे के भाग की जो बीच की दूरी होती है उसे हम बोलते हैं फ्लैंक। तो हम देख लेते हैं हमारा किस ऑप्शन में फ्लैंक मिल जाता है, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गाइस ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपको फ्लैंक मिल जाता है फर्स्ट ही
ए ऑप्शन में यहाँ पर आपको फ्लैंक मिल जाता है। देखिए क्या बोल रहा था, अग्रभाग के पीछे का बाह्य पृष्ठ भाग जो हेक्साब्लेड के मूल त्रिज्य तक विस्तृत होता है। मैंने आपको लिया भी बताया त्रिज्य तक आपका विस्तृत क्या होता है, ए आपका त्रिज्य तक यहाँ पर विस्तृत होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लैंक, यानी कि ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, कोई भी आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। इस क्वेश्चन को चाहो तो आप नोट कर सकते हो क्योंकि बिल्कुल ही यूनिक क्वेश्चन है, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि जनरली चीजें आर स्पेसिफाइड बाय, यानी कि जो हमारी छेनी होती चीजें होती हैं उनको किसके द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिए क्या, क्योंकि बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपका मिल जाता है सेंक एंड हेड साइज, यहाँ पर बी ऑप्शन मिल जाता है लेंथ ऑफ हेड साइज, यहाँ पर सी ऑप्शन मिल जाता है लेंथ ऑफ सेंक, यहाँ पर डी ऑप्शन मिल जाता है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कटिंग एज। आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जैसे कि ऑप्शन में दिया गया है कि कर्तन कोर की लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बट हम जो स्पेसिफाई करते हैं वो करते हैं ओनली कर्तन कोर की चौड़ाई से, कर्तन कोर की चौड़ाई भी अगर आपको ऑप्शन मिलता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी इज द सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, अ मेटल कटिंग सा इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय, धातु कर्तन आर की विशेषता को द्वारा वर्णित नहीं किया जाता है। जो हमारा कटिंग सा होता है, मेटल कटिंग सा होता है, उसको हम किसके द्वारा स्पेसिफाई नहीं करते, उसकी विशेषता हम नहीं बता सकते हैं। देखिए जो हमारा पदार्थ है, ये ए ऑप्शन आपको पदार्थ मिल जाएगा, बी ऑप्शन टूथ टीथ मिल जाएगा, यहाँ पर सेट मिल जाएगा, और बी ऑप्शन में आपको टूथ फॉर्म, और सी डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा प्रॉन्स, क्या मिल जाएगा प्रॉन्स यानी कि भुजा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, भुजा के द्वारा हम उसकी विशेषता को नहीं बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, यूजुअली कोर्स टीथ ऑफ हैंड हेक्साब्लेड हैव अ पिच ऑफ, आपकी जो कोर्स जो होती है आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पर देखिए कोर्स टीथ ऑफ हैंड हेक्साब्लेड आपसे कोर्स पिच प्लेट के बारे में पूछा जाता है, उसमें कितने दांत कितनी एमएम पिच होती है। तो आप कोर्स में होती है सामंत धातु काटने वाली हाथ आरी ब्लेड के मोटे दांतों में 1.8 एमएम की पिच होती है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर बोल रहा है स्क्वायर फाइल आर यूज्ड फॉर फाइलिंग, तो स्क्वायर फाइल का यूज हम कहाँ करेंगे, स्क्रू फाइल का यूज हम करेंगे स्क्वायर शेप जॉब को बनाने के लिए, तो बी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपकी स्क्रीन पर व्हेन फाइलिंग सॉफ्ट मेटल द फाइल टीथ आर क्लोगेड विद मिनट पार्टिकल्स ऑफ मेटल, द फाइल शुड बी क्लीन बाय, नर्म धातु की रेताई करते समय धातु दांत धातु के छोटे कणों से जम जाते हैं, यानी कि फाइल के दांतों में धातु छोटे छोटे कणों के रूप में जमा हो जाती है, फंस जाती है, उसे साफ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, उसे साफ करने के लिए हम करते हैं गाइज यूजिंग फाइल कार्ड, जो कि एक आपका फाइल कार्ड होता है जो मेटल से बना होता है, उसके द्वारा हम जो होता है धातु के दांतों में फंसे मेटल को हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, द एंगल ऑफ नाइफ एज फाइल इन क्रॉस सेक्शन, यानी चाकूधार रीति की अनुप्रस्थ काट का कोण होता है 10 डिग्री, आपको एज द राइट आंसर हो जाएगा, परम सत्य आंसर हो जाएगा। आपके लिए पता होना चाहिए जो चाकूधार रीति होती है, नाइफ एज फाइल होती है, उसका जो अनुप्रस्थ काट का एंगल होता है वो होता है हमारा 10 डिग्री। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में आपका क्या बोला जा रहा है, 30 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हैंड रेती यानी कि हस्त रेती क्या है, आपकी हस्त रेती कैसी होती है, हस्त रेती क्यों पूछा जाता है, क्योंकि इसकी विशेषता थोड़ी अलग होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, चौड़ाई में समांतर होती है, और जो हमारी नॉर्मली फाइल होती हैं वो हमारी चौड़ाई में समांतर नहीं होती हैं, जो हमारी हैंड फाइल होती है वो चौड़ाई में समांतर होती है, बट उसमें मोटाई में टेपर होता है, तो डी ऑप्शन में आएगा आपको मिल जाएगा पैरेलल इन ब्रेथ एंड टेपर इन थिकनेस, चौड़ाई में समांतर और मोटाई में टेपर, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। और जो नॉर्मल फाइल होती हैं वो आपकी आगे की ओर टेपर होती हैं, आगे की ओर आपकी इस प्रकार से यहाँ पर टेपर होती हैं, जो हमारी नॉर्मल फाइल होती हैं। देखिए यहाँ पर कुछ जो मैंने फाइल वाला चैप्टर आपको कराया था उसमें मैंने सही से आपको बिल्कुल क्लियर कराया था फाइल के बारे में, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप वो डिटेल लेक्चर देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपने अभी तक वॉच नहीं किया तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके वॉच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे बोला जा रहा है कि फाइल रिकमेंडेड फॉर नैरो स्लॉट एंड होल, संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के लिए कौन सी फाइल रिकमेंड की जाएगी, कौन सी फाइल से हम नैरो स्लॉट में कार्य कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा नाइफ एज फाइल, हाफ राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल, एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पर नीडल फाइल, तो आप यहाँ पर बता सकते हो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कमेंट करिए 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर, कमेंट करिए कौन सा आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या बोल रहा है, संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के लिए, संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के लिए अनुशंसित रहती है, कौन सी रिकमेंड हम करेंगे, जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा क्या इसका आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आएगा
यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नीडल फाइल। आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, नीडल फाइल संकीर्ण स्थानों छिद्रों के लिए अनुशंसित की जाती है। आप जैसे ही आप डी आंसर लगाओगे, आप कहोगे कि यानी कि नीडल फाइल छोटी फाइल होती है और इससे हम कर सकते हैं, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी नाइफेज फाइल जो होती है वो हमारी नीडल फाइल में ही आती है, एंड एक जो हमारी सिंपल फाइल होती है उसमें भी नाइफेज फाइल होती है और नीडल फाइल में भी हमारी नाइफेज फाइल होती है। इसीलिए एक क्वेश्चन दिया गया है और आपको इसीलिए एक दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन में दिए गए हैं, इसलिए मैंने नीडल फाइल का ऑप्शन सही किया कि आपको लगे कि हाँ सही आंसर है। बट इस प्रकार आपको नहीं करना है गाइज, ध्यान समझिए। जो मैंने अभी फाइल वाला लेक्चर डिटेल में जो प्रोवाइड किया है उसको जाकर आप एक बार देखिए, आपको नीडल नाइफेज फाइल एंड नाइफेज फाइल में जो अंतर होता है वो मैंने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया, बताया है आपको। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, नई पेज फाइल क्या बोला, संकीर्ण स्थानों और छिद्रों के लिए अनुशंसित की जाती है। आप बोलोगे नीडल फाइल क्यों नहीं होगा, नीडल फाइल हो ही होगा, बट यहां पर नाइफेज फाइल नीडल फाइल का ही एक टाइप है, यहां पर नीडल फाइल नाइफेज फाइल का ही टाइप, तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा नाइफेज फाइल। 32 नंबर क्वेश्चन है आपका, फाइंड द टाइप ऑफ फाइल व्हिच कट मेटल फास्टर, उस प्रकार की रहती है, खोज करें जो पदार्थ को शीघ्रता से काट सकती है। तो हमारी वहाँ पर हो जाएगी डबल कट फाइल, डबल कट फाइल होती है वो हमारी पदार्थ को शीघ्रता से काटती है। बट आपका अगर डाउट है कि यहाँ पर रस्ट कट फाइल भी तो धातु को शीघ्रता से काटती है, हाँ काटती है, लेकिन यहाँ पर आप क्वेश्चन में देखोगे यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया गया है, क्योंकि हमारा मेटल हार्ड है या सॉफ्ट है। जो हमारी रस्ट कट फाइल होती है वो ओनली सॉफ्ट मेटल को शीघ्रता से काट सकती है, हार्ड मेटल को नहीं काट सकती है, इसलिए हमको ए ऑप्शन की ओर जाना पड़ेगा। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डबल कट फाइल। क्वेश्चन नंबर 33, मैं कोशिश करता हूं कि मेरा लेक्चर मेरी क्लास देखने के बाद आपको कोई भी डाउट ना रहे, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट कर सकते हो। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। एंड संडे लाइव टेस्ट देने के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पर आप लाइव टेस्ट देने को मिल जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री है। क्वेश्चन नंबर 33, द फाइल आर मेड ऑफ, रेतियाँ हमारी बनी होती हैं, रेतियाँ आपके लिए किससे बनी होती हैं। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका इस क्वेश्चन में डाउट रहता है, आज मैं इस डाउट को क्लियर करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा। यहाँ पर देखिए आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप कह दोगे रेतियाँ बनी होती हैं हाई कार्बन स्टील, लेकिन आपको यहाँ पर हाई कार्बन स्टील एंड हाई स्पीड स्टील दोनों यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो हम किस ऑप्शन को लगा, किस ऑप्शन को चुने, कौन सा हमारा बिल्कुल 100% सही होगा। ये ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल गलत ही हो जाएंगे, लो अलॉय स्टील एंड लो कार्बन स्टील, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे। ये दो ऑप्शन है, इसमें सब कौन से लगाओगे, आपने पढ़ा होगा हाई कार्बन स्टील तो लगा दोगे गलत, लेकिन आपको जाकर आप लगा दोगे सही, आपको जाएगा गलत। आपका यहाँ पर होगा हाई स्पीड स्टील, मैंने बताया है कि जब भी कटिंग टूल्स की बात आए और आपको दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिले तो आपको हाई स्पीड स्टील की ओर जाना चाहिए। हाई स्पीड स्टील आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा हाई कार्बन स्टील से अच्छा परफॉर्म करता है, बेटर परफॉर्म करता है हमारा हाई स्पीड स्टील, इसलिए हमको अगर दोनों ऑप्शन यहाँ पर मिलते हैं तो हमको यहाँ पर जाना पड़ेगा हाई स्पीड स्टील की ओर, यानी कि 33 नंबर क्वेश्चन का हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल फॉर फाइलिंग एंड एल्यूमिनियम जॉब, एल्यूमिनियम जॉब की फाइलिंग करने के लिए हम किस फाइल का यूज करेंगे। बहुत अच्छे से मैंने स्पेसिफाई वहाँ पर डिस्क्राइब किया है फाइलिंग वाले चैप्टर, अगर जिसने भी बात किया पूरे से पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकता है। यहाँ पर हमारा क्या आंसर निकल के आ रहा है, सिंगल कट फाइल ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम की फाइलिंग करने के लिए हम सिंगल कट फाइल का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, वीडियो लास्ट तक बने रहिए, 50+ यहाँ पर क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ, जो कि कटिंग टूल हैंड टूल से आपके, जो कि एक मोस्ट इंपोर्टेंट ही चैप्टर है, बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, छोड़ के मत जाना, नहीं तो आपके बहुत क्वेश्चन स्किप हो जाएंगे और आपके थोड़े से टाइम के चक्कर में आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। शायद ऐसे क्वेश्चन में जहाँ जैसे लाया हूँ कि आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आपका DRDO का एग्जाम होगा, चाहे आपका DRDO का हो, चाहे आपका IUCL का एग्जाम हो, चाहे आपका RRCAT का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी टेक्निकल एग्जाम हो, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 35, द हेक्साब्लेड इज मेड ऑफ, हेक्साब्लेड किस धातु से बनी होती है, तो हेक्साब्लेड हमारी हाई स्पीड स्टील बनी होती है, सी इज द राइट आंसर हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कॉमन लेंथ ऑफ द ब्लेड फॉर हैंड ऑपरेशन इन हेक्साब्लेड, तो आपको ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोल रहा है कि सामान जो हमारी लंबाई होती है एक्सेलरेटर की वो कितनी होती है यहाँ पर, लेकिन दो के फॉर्म में दिया है, 150 से 200, 350 से 400, 250 से 300, 450 से 500। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर सकते हो तो करिए, यहाँ पर हमारा बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, 250 से 300। और अगर आपसे पूछे कि हेक्साब्लेड का स्टैंडर्ड साइज क्या होता है या हमारा सॉलिड हेक्सा फ्रेम का साइज क्या होता है, तो वहाँ पर अगर आपको ऐसे ऑप्शन देगा 250, 300, 400, 500, तो आपको वहाँ पर 250 इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा हेक्साब्लेड का स्टैंडर्ड साइज होता है 250
600 और हमारा जो सॉलिड हेक्सा फ्रेम होता है उसमें हम केवल एक ही ब्लेड को वहाँ पर बांध सकते हैं, लगा सकते हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड ब्लेड होती है। स्टैंडर्ड ब्लेड का साइज होता है हमारा 250। इस प्रकार से आप क्वेश्चन बनाने हैं, याद रखने, ताकि आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे और आप वहाँ पर कन्फ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर, बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, विच सा इज यूज फॉर फाइनर वर्क्स लाइक टेनन। टेनन जैसे महीन कार्यों के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है। अब यहाँ पर टेनन शब्द क्या है ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, ये टेनन शब्द आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं आपके लिए यहाँ पर क्लियर करूँगा टेनन क्या होता है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके कारपेंटर ट्रेड से ले लिए जाते हैं, जो हमारी कारपेंटर ट्रेड होती है उससे आप क्वेश्चन ले लिए जाते हैं, क्योंकि हमारी जो फिटर है, फिटर ट्रेड है, वो कई कैटेगरी में होती है, जैसे कि बेंच फिटर, कारपेंटर फिटर, इस प्रकार आपकी कई फिटर ट्रेड होती हैं। इस प्रकार आपको फिटर की थ्योरी में, फिटर का जो हमारी कैटेगरी होती है, जो हमारी ट्रेड होती है फिटर में, आपको फिटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर में आपको कारपेंटर कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर टेनन जो है ये जो क्वेश्चन है ये कारपेंटर ट्रेड का क्वेश्चन है गाइज, और आपकी फिटर के प्रीवियस एग्जाम में ये पूछा गया, टेक्निकल एग्जाम हुआ था, मेरे को उस डिपार्टमेंट का नाम याद नहीं है, लेकिन उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके बारे में डिटेल में आपके लिए बताऊँ कि टेनन क्या होता है। सबसे पहले हम यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, आपको ए ऑप्शन मिल जाएगा कॉफिंग सा, बी ऑप्शन मिल जाएगा टेनन सा, सी ऑप्शन मिल जाएगा कंपोज सा, डी ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेट सा। तो आपको बिल्कुल अलग ऑप्शन है, अलग क्वेश्चन है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जो मैं इसका इमेज लगाता हूँ फिर आपको समझाता हूँ कि आपका राइट आंसर हो। यहाँ पर ये जो इमेज में देख पा रहे हो इसे हम बोलते हैं टेनन सा। आपने जनरली देखा होगा जो कारपेंटर होते हैं, जो बाढ़ई जो होते हैं, वो लकड़ी का जो काम करते हैं वो इसका यूज करते हैं, इसका यूज हम लकड़ी काटने के लिए ही करते हैं। ये एक हमारा यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये हमारा धातु का फ्रेम होता है, ये लकड़ी का हैंडल हमारा लगा होता है और नीचे हमारे यहाँ पर इस प्रकार दांते इसमें कटे होते हैं, इसे हम बोलते हैं टेनन सा। टेनन जैसे महीन कार्यों करने के लिए, यानी आपको लकड़ी नहीं बोला गया है, टेनन यहाँ पर एक अलग शब्द जोड़ दिया जो कारपेंटर में यूज होता होगा, उसकी डिटेल हमको नहीं पता, लेकिन आपको जो टेनन सा होता है, जैसे हम टेनन सा इसे बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं टेनन सा बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना है टेनन जैसे महीन कार्य करने के लिए आपका हो जाएगा टेनन सा इज द राइट आंसर। अगर आपको इसकी इमेज देखे इसका नाम पूछ लिया जाए तो बहुत आसानी से आप बता सकते हो यहाँ पर टेनन सा इसे हम बोलते हैं। इसे आपने बहुत जगह देखा होगा लेकिन आपको नाम अभी तक नहीं पता होगा, तो नाम याद रखना इसका, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छी समझ में आ गई। तो टेनन सा आपको मिल जाता है बी ऑप्शन में, बी इज द हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है कि ऑयल ग्रुप्स आर टू बी कट इन ब्रास हाफ वेयरिंग विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज सूटेबल। देखिए कितना घुमा दिया कि ब्रास में आपको काटना है, ब्रास वेयरिंग में आपके लिए ऑयल ग्रुप काटना है, तो हम किस चीजल का यूज करेंगे। डायरेक्टली बोल रहा है कि ऑयल ग्रुप काटने के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं, तो आप बता दीजिए जल्दी से ऑयल ग्रुप काटने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन में आपका फ्लैट चीजल, बी ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, सी ऑप्शन है हाफ राउंड चीजल, डी ऑप्शन है आपका वेब चीजल। तो हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, हाफ राउंड चीजल जो होती है इससे हम ऑयल ग्रुप काट सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड आर सेट टू, हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है, किस लिए हम हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग करते हैं, जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा प्रोवाइड क्लियरेंस फॉर द ब्लेड, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रिवेंट जेमिंग एंड ब्रेकेज ऑफ ब्लेड, ब्लेड को जाम होने पर टूटे से बचाने के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मेक द कर्फ वाइडर देन द ब्लेड, कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी मिल जाता है आपको ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। हम सभी के लिए अगर कोई एक यहाँ पर ये तीन जो ऑप्शन है, अगर आपको एक ऑप्शन देता है वो तीन बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन देता है तो हमारा एक कोई ऑप्शन हो जाता, लेकिन सही ऑप्शन हमारे सही हैं, दादा उस सेटिंग से हमारे सभी कार्य होते हैं, तो बी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 40 आपकी स्क्रीन पर, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें ताकि आपको हेल्प हो सके। यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन है, अ ग्रूव इज बीइंग चिफ्ट बाय अ चीजल, हाउ विल यू अवॉइड द मेटल ब्रेकिंग ऑफ एज लंप, यहाँ पर लंप व्हेन रीचिंग द एंड ऑफ द ग्रूव। यहाँ पर बोल रहा है छेनी द्वारा एक ग्रूव की चिपिंग करना है, जब चिपिंग ग्रूव के अंत तक पहुँचती है तो धातु को उभाड़ के रूप में, यानी जो धातु का एंड है उसे उभाड़ के रूप में टूटने से बचाने के लिए आप कैसे बचाएंगे, उसे क्या करें कि वो टूटे नहीं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है आपसे, और इस क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है, लेकिन मैं आज के आपके लिए डाउट क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन आपको क्या बोला जा रहा है, ये ऑप्शन में आपको मिलेगा बाय चिपिंग विथ लाइट फोर्स वैन रीचिंग द एंड, जैसे हम अंत तक पहुँचेंगे तो हम जो हमारा फोर्स बल हम उसे हल्की बल के साथ चिपिंग करेंगे। बी ऑप्शन मिल जाएगा आपको बाय यूजिंग सोलूबल ऑयल, हम सोलूबल ऑयल का प्रयोग करेंगे। सी ऑप्शन मिल जाएगा बाय होल्डिंग द चीजल विथ लेस इंक्लिनेशन, छनी को कम झुकाव कोण पे हम पकड़ेंगे। डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा बाय चिपिंग द
चिपिंग द एंड पोर्शन फ्रॉम अपोजिट साइड, अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। तो आप अपने एक कंसेप्ट से, अपने माइंड से आप बताइए, सोच के, दिमाग से सोच के बताइए इसका क्या आंसर आपका हो सकता है। देखिए, इसका आंसर जो होता है वो होता है डी, यानी अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। जैसे यहाँ पर हम कोई मेटल है हम यहाँ पर इसकी चिपिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम चिपिंग करते जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर मैं दूसरी इमेज बनाता हूँ। यहाँ पर हमारा कोई इस प्रकार से हमारा मेटल है, यहाँ पर हम चिपिंग करते जा रहे हैं। यहाँ पर हमने चिपिंग करते करते स्लॉट बना लिया। जैसे हमारा ये एंड पोर्शन आता है, तो हम अगर चिपिंग ऐसे ही करते जाएंगे तो क्या होगा कि हमारा एंड पोर्शन पर फोर्स लगेगा और हमारा एंड पोर्शन टूटने का डर रहेगा, टूट सकता है। हम क्या करना होगा, यहाँ पर हम जैसे ही आ जाते हैं तो हमको यहाँ पर चिपिंग बंद करके इस साइड से हमको चिपिंग करनी होगी। इस साइड से हम चिपिंग करेंगे और यहाँ पर हमको चिपिंग को एंड करना होगा। तो उससे होगा क्या, जो हमारा एंड पोर्शन है वो टूटने से बच जाएगा और हमारा स्लॉट भी पूरा बन जाएगा, चिपिंग भी पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार पूछा जाता है कि कास्ट आयरन में चिपिंग करने के लिए हम किस मेथड का यूज करते हैं, किस प्रकार हम चिपिंग करते हैं। तो दोनों साइड से हम चिपिंग को कहाँ एंड करते हैं, तो यहाँ पर कास्ट आयरन का कोई अगर आपका कोई पार्ट है तो हम दोनों साइड से चिपिंग को करते करते यहाँ पर बीच में ख़त्म करते हैं। इसलिए क्योंकि कास्ट आयरन हमारा जो होता है ब्रिटल मेटल होता है और जल्द ही टूट जाएगा, इसलिए हमको क्या करना पड़ता है, दोनों साइड से चिपिंग करके उसकी चिपिंग को बीच में ख़त्म करना पड़ता है। तो दो आपका क्वेश्चन नंबर का, यहाँ पर कास्ट आयरन चिपिंग के लिए हम किस प्रकार करते हैं, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। तो आपके लिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर आपको समझ में आ गया है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर बोल रहा है खुरदरी रेती का प्रयोग किया जाता है। तो खुरदरी रेती का प्रयोग भैया कहाँ करते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बता दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जिसने भी फिटर थोड़ी बहुत पढ़ी उसके लिए समझ में आ जाए कि हम खुरदरी रेती होती है, जो हमें रफ फाइल होती है, उसका हम वुड पर यानी लकड़ी पर कार्य करने के लिए करते हैं। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है इन केस ऑफ सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट ऑन द फाइल फेस एट एन एंगल। सिंगल कट फाइल जो होती है उसके दांते कितने कोण पर कटे होते हैं, तो उसके दांते कटे होते हैं भैया 60 डिग्री कोण पर। यहाँ पर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है हेक्सा ब्लेड विथ फाइन पिच टीथ आर, यहाँ पर बोल रहा है आर मोर इफेक्टिव ऑन, महीन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं। किसके लिए अधिक प्रभावशाली होते हैं, कौन सी क्रिया करने के लिए, किस धातु के लिए प्रभावशाली होते हैं। ये ऑप्शन में आपको मिलेगा थिन सेक्शन मेटल, पतले सेक्शन वाले धातुओं के लिए, सॉफ्ट मेटल मुलायम धातुओं के लिए, बोर्ड सेक्शन चौड़े सेक्शन वाले मेटल के लिए, नन मेटल अधातुओं के लिए। तो जो हमारे महीन पिच वाले होते हैं, महीन पिच में क्या होगा, धातु जो हमारे दांते रहेंगे वो प्रति इंच संख्या में ज़्यादा रहेंगे, तो थिन सीट में वहाँ पर हमारे हेल्प करेंगे, वहाँ पर अधिक प्रभावशाली होंगे। क्योंकि यहाँ पर आपको एक चीज़ का याद रखना है, जब भी हम किसी भी मेटल को कट करेंगे तो हमारे हेक्सा ब्लेड के कम उस पर दो दांते टिके होना चाहिए, तो हमारी वो पिच वाली ब्लेड सही होगी। तो बहुत पतला मेटल तो हमको बहुत ज़्यादा दांत चाहिए, तभी हमारे दो दांत उस पर टिक सकेंगे, इसलिए हमारा थिन सेक्शन मेटल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है बाइंडिंग फाइल आर सिमिलर टू, बाइंडिंग फाइल इसके समान होती है भैया, बाइंडिंग फाइल किसके समान होती है, बाइंडिंग फाइल जो होती है वो हमारी होती है यहाँ पर हैंड फाइल के समान, यहाँ पर हैंड फाइल जैसी होती है परंतु चौड़ाई में सक्रिय होती है, फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु मोटाई पतली, फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु मोटाई पतली और यूनिफॉर्म होती है। देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन जो डी है इसमें क्या बोल रहा है, फ्लैट फाइल बट थिनर एंड यूनिफॉर्म इन थिकनेस, जो हमारी थिकनेस जो होती है वो उसकी कम होती है बाइंडिंग फाइल की और आपकी फ्लैट फाइल के समान ही होती है। यहाँ पर चौड़ाई अगर मोटाई बोलते तो हम इस ऑप्शन को जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर चौड़ाई बोलते इसलिए गलत हो जाएगा, आपका डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 44 क्वेश्चन नंबर 44 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आपकी स्क्रीन पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है द मोस्ट सुटेबल पिच ऑफ द हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग थिन सेक्शन, पतले सेक्शन वाली ट्यूबों काटने के लिए किस ब्लेड का पिच उत्तम होगा। तो जो हमारा 0.8 mm पिच ब्लेड है वो हमारा उत्तम होगा। अभी मैंने बताया है कि पतले सेक्शन को हम काटने के लिए ज़्यादा टीथ की जरूरत पड़ती है, ज्यादा टीथ होंगे तो हमारे पिच वहाँ पर कम टीथ होंगे तो पिच वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। 46 नंबर का क्वेश्चन है, बोल रहा है द सूटेबल पिच ऑफ हेक्सा ब्लेड फॉर कटिंग सॉलिड ब्रास, ध्यान रखना यहाँ पर बोल रहा है सॉलिड ब्रास, आप ये मत समझना ब्रास हमारा सॉफ्ट मेटल है तो वहाँ पर पिच हमारी 0.8 हो जाएगी। यहाँ पर मेटल से यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पर पतला है या मोटा है ये सबसे मेन फर्क पड़ता है। वहाँ पर मैंने बताया कि मेटल पर जो भी आप पार्ट की कटिंग कर रहे हो उस पर कम से कम दो दांते आपके टिके होने चाहिए, तो दो दांते पतला या आपका सॉफ्ट हो या हार्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारा सॉफ्ट है तो दो दांते टिक जाएंगे, हार्ड है तो नहीं टिकेंगे, आपको सिर्फ पतला और मोटा वहाँ पर देखना है, थिनर एंड
थिकर, वहाँ पर देखना। तो हमारा सॉलिड ब्रास है, तो हम सॉलिड ब्रास को हम यूज करेंगे 1.8mm पिच वाले ब्लेड का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है, व्हाइल चिपिंग द क्लियरेंस एंगल इज द एंगल बिटवीन, चिपिंग करते समय अवकाश कोण किसके बीच का होता है, चिपिंग करते समय अवकाश कोण किसके बीच का होता है। चीजल वाले जो हमारा लेक्चर है, डिटेल लेक्चर, उसमें मैंने अच्छे से बताया कि कौन सा एंगल किसके बीच होता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ इसका, हमारा आंसर क्या होगा, जॉब की कार्यकारी सतह छनी कटिंग एज के ऊपरी सतह, बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। बोल रहा है द वर्किंग सर्फेस ऑन द जॉब बॉटम सर्फेस ऑफ द कटिंग एज ऑफ द चीजल, जो भी कार्यकारी सतह है वो छनी कटिंग एज की निचली सतह, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल छैनी कटिंग एज के समकोण वाली सतह, उपरोक्त में से कोई नहीं, आपका बीच द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जॉब की कार्यकारी सतह और छैनी कटिंग एज की निचली सतह, यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये हमारी कोई यहाँ पर चीजल है, ये हमारे यहाँ पर चीजल है, ये है निचली सतह, ये हमारी जॉब की कार्यकारी सतह, यहाँ पर जो कोण बनता है वो हमारा बनता है क्लियरेंस एंगल, ठीक है। इसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं गाइज, बीटा, यहाँ पर बोलते हैं बीटा, यहाँ पर बोलते हैं, इसे हम अल्फा बोलते हैं, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो आपको इस प्रकार मैंने कोण अच्छे से बताया था, आप चीजल वाला लेक्चर डिटेल में देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो आपको अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 आपकी स्क्रीन पर ध्यान से समझिए गाइस क्या बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है स्लाइड कन्वेक्सिटी इज मेड ऑन द कटिंग एज ऑफ फ्लैट चीजल फोर, चपटी छेनी कटिंग एज पर थोड़ी सी उत्तल तक कन्वेक्सिटी क्यों देते हैं, हम कन्वेक्सिटी क्यों देते हैं, जल्दी से ऑप्शन देकर बता दीजिए। यहां पर ए ऑप्शन मिला कटिंग शार्प कॉर्नर, शार्प कॉर्नर काटने के लिए, यहाँ पर अलोइंग लुब्रिकेंट टू रीच द कटिंग एज, कटिंग कर्व सरफेस, डी ऑप्शन मिल जाएगा आपको, प्रिवेंटिंग डिगिंग ऑफ द एंड ऑफ कटिंग एज, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कटिंग एज के सिरों को धातु में धंसने से लिए डिगिंग ना हो सके वहाँ पर, इसलिए हम वहाँ पर थोड़ी सी कन्वेक्सिटी देते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 आपकी स्क्रीन पर, 49 में क्या बोल रहा है, सीटिंग ऑफ टीथ इन हेक्सा ब्लेड इज, हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग को कहते हैं की है, मतलब हेक्सा ब्लेड में दांतों की सेटिंग आवश्यकता क्यों होती है, क्यों हम करते हैं, यहाँ पर बोल रहा है ये ऑप्शन में क्या आवश्यकता नहीं है, तो गलत हो जाएगा, आवश्यकता है उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, हेक्सा ब्लेड बनेगी नहीं, कटिंग करेगी ही नहीं भैया। बी ऑप्शन बोल रहा है रिक्वायर टू अवॉइड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लेड एंड वर्क पीस, ये भी सही है हमारा, ये सही हो जाएगा। और यहाँ पर बोल रहा है रिक्वायर्ड फॉर इनक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ ब्लेड, इन डी ऑप्शन में मिल जाएगा रिकॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग टीथ ऑन द ब्लेड, ब्लेड दांतों की आवश्यकता बनानी होती, तो बी इज द राइट आंसर, एक्यूरेट जो आंसर हो जाएगा वो हमारा बी हो जाएगा, वर्क पीस के बीच घर्षण को दूर करने के लिए, ब्लेड और वर्क पीस के बीच घर्षण दूर करने के लिए हम उसमें हेक्सोलेट दांतों की सेटिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, द सेफ एज और फाइल इज यूज टू, यहाँ पर बोल रहा है फाइल के सेफ एज का प्रयोग करते हैं, तो भैया सेफ एज का हम कहाँ करते हैं, स्लंग भुजाओं को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट द एड एडजेसेंट साइड, यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, स्लंग भुजाओं को बचाने के लिए बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है एक नए एक्सेबलेट को पुराने द्वारा बनाए गए ब्लाइंड साग कट में प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नए एक्सेबलेट मोटाई वहाँ पर ज्यादा रहेगी, जो हमारा कट बना है वो पतला होता है, वहाँ पर हमारी ब्लेड फंस फंस के चलेगी, वो टूटने का वहाँ पर रहेगा, इसलिए हमको नहीं चलाना चाहिए, हमारी ब्लेड है जो टूट जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन में देखने को मिलेगा, द स्पेस इज नॉट एनफ टू रन द ब्लेड, बिल्कुल सही है, द न्यू ब्लेड इज हैज शार्प टीथ, बिल्कुल सही है, द ब्लेड इज कॉस्टली, ब्लेड महंगा, ये गलत है, ए इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 जा रहा है, यहाँ पर बोला जाए स्नैगिंग एक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग धातु घटाने के लिए किया जाता है, तो स्नैगिंग एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसका मैक्सिमम स्टूडेंट गलत आंसर करके आते हैं, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, ग्राइंडिंग प्रोसेस के, स्नैगिंग जो होती है ग्राइंडिंग प्रोसेस के अंतर्गत आती है, ठीक, ग्राइंडिंग तरह हम स्नैगिंग में धातु को हटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर बोल रहा है द चीजल यूज टू कट कीवेज काटने के लिए कौन सी चीज़ का यूज करेंगे, जल्दी से कमेंट करिए, ये ऑप्शन का, ये क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका हमारा हो जाएगा कैप चीजल, इसे हम क्रॉस कट चीजल बोलते हैं, ध्यान रखना गाइज यहाँ पर आपको नाम चेंज कर करके देता है, मैंने इसलिए सभी के नाम जो हमारे दूसरे नाम से जाने जाते हैं उनका नाम मैंने बता दिया है, जो हमारे डिटेल लेक्चर उन्हें मैंने अच्छे से बताया है, जो हमारी क्रॉस कट चीजल होती है उसे हम कैप चीजल के नाम से भी जानते हैं, और क्रॉस कट चीजल का ही प्रयोग हम कहाँ करते हैं गाइस, चाबी घाट कीवेज काटने के लिए, स्लॉट काटने के लिए, ग्रुप काटने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 का, यहाँ पर देखिए 54 क्वेश्चन बोल रहा है द बॉडी ऑफ अ फ्लैट चीजल इज यूजली मेड इन द शेप ऑफ फ्लैट चीजल, की बॉडी पर किस आकार की बनी होती है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर मिल जाएगा आपको ऑक्टागोनल यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा आपकी, अष्टभुजाकार जो हमारी फ्लैट चीजल की जो बॉडी होती है वो बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का, निम्नलिखित में
से स्क्रैपर में से किसका प्रयोग बेयरिंग बुश पर स्क्रैपिंग करने के लिए किया जाता है, तो जो हमारा बेयरिंग बुश पर स्क्रैपिंग करने के लिए हम करते हैं हाफ राउंड स्क्रैपर का यूज, इसी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पर। ये मत समझिएगा गाइज आपको कि मेरी वीडियो बहुत लेंथी होती है लेकिन बहुत वैल्यूबल होती है। अगर आप ध्यान से देखो बात करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 56, मैं कोई पागल नहीं हूँ कि आपके लिए एक एक घंटा बर्बाद करता हूँ, आपके लिए एक एक घंटा बर्बाद नहीं करता हूँ, आपका एक एक घंटा बहुत ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। जो मैं नॉलेज आपको देता हूँ वो आपको लिए 6 से 7 दिनों में मिलेगी। अगर आप कहीं कोचिंग जाओगे तो 6 से 7 दिन में वो लेक्चर कंप्लीट होगा, मैं आपका एक घंटे में वो लेक्चर कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखिए। अगर आपको वास्तव में सही से तैयारी करना है, और जिसको तैयारी नहीं करना है वो तो वीडियो पर क्लिक करेंगे और एक मिनट देखेंगे वो चले जाएंगे, लेकिन आपको सही से तैयारी करना है वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप ना करिए। जो मैं बोलता हूँ बहुत ही वैल्यूबल सेंटेंस वाक वहाँ पर समझाता हूँ आपके लिए, तो बिल्कुल स्किप ना करें ताकि आपको सही से वहाँ पर नॉलेज मिल सके, कोई भी नॉलेज आपकी ना छूटे। बिल्कुल फ्री, अगर मेरे कोई पैसा लेना होता तो यही कोर्स मैं आपके लिए पेड कर सकता था। और मैं जो PDF मैंने जो बनाई, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, यूथ की, और भी कुछ PDF है, उनका बहुत कम प्राइज रखा, किसी का 30 होगा, किसी का 99 होगा। ये सब प्राइज PDF के अकॉर्डिंग है, जितनी बड़ी PDF होगी उसका उतना प्राइज होगा। ये सब ओनली टाइपिंग चार्ज है आपका और कुछ नहीं है। जितना टाइपिंग चार्ज जो लेता है जिससे हम टाइप करवाते हैं उसका ही प्राइज है और कुछ नहीं है। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बस लाइक से सब्सक्राइब चाहिए और मेरे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे तो आपके लिए ऐसे ही फ्री में प्रोवाइड कराता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 56 है आपका, बोल रहा है हेक्साब्लेड की लंबाई मापी जाती, तो हेक्साब्लेड की लंबाई हम कहाँ से मापते हैं? देखिए यहाँ पर मिल जाएगा आपको बी ऑप्शन में, सेंटर ऑफ पिन होल टू द सेंटर ऑफ अदर पिन होल, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। एक पिन होल के केंद्र से दूसरे पिन होल के केंद्र तक आपकी हेक्साब्लेड की लंबाई है जो मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 57 आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है द कटिंग एंगल ऑफ अ फ्लैट चिजल फॉर चिपिंग एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए हमारा कटिंग एंगल कितना होगा? तो एल्यूमिनियम की चिपिंग के लिए आपका कटिंग एंगल होता है 30 डिग्री, लेकिन आपको ऑप्शन मिलेगा 35 डिग्री, तो डी इज द राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर का आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर मेकिंग फाइल फेसेस स्लाइटली कन्वेक्स इन फॉर्म, देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर ऑप्शन अलग है, ऑप्शन से भी आपका क्वेश्चन चेंज होता है। देखिए क्या ऑप्शन है आपको यहाँ पर, देखिए ऑप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन बिटवीन द फाइल फेस एंड जो फेस, फाइल के फेस और सरफेस घर्षण को बढ़ाना, घर्षण को कम करने के लिए हम कन्वेक्स देते हैं ना कि बढ़ाने के लिए, तो ए इज द बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन में आपको मिलेगा टू गिव बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रेशर एंड टू कंपोनेंट स्लाइटली फाइलिंग मूवमेंट, प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करना और फाइलिंग थोड़े से मूवमेंट की पूर्ति करना। सी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा टू रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द फाइल फेस एंड द जॉब, फाइल के फेस और जॉब के सर्विस में घर्षण को कम करना। डी ऑप्शन में आपको मिल जाएगा टू रिड्यूस द एफर्ट इन ड्राइविंग फाइल, फाइल को चलाने में लगने वाली ताकत को कम करना। तो यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन, यहाँ पर तीन ऑप्शन इस प्रकार एक प्रकार से आपको सही देखने मिलेंगे, लेकिन जो 100% सेटिस्फाई हो रहा है वो आपको यहाँ पर लगाना है, तो डी हमारा 100% सेटिस्फाई हो रहा है। अगर हम फाइल एक समान बनाए इतने बिल्कुल भी कन्वेक्स नहीं करते बीच में, तो हमारी जो ताकत है जब हम फाइलिंग करेंगे जो हमारी ताकत लगेगी वहाँ पर बहुत ज़्यादा लगेगी, क्योंकि वहाँ पर फाइल की पूरी कॉन्टैक्ट वहाँ पर सर्फेस पूरी कॉन्टैक्ट में आएगी, वो वहाँ पर हमको ज़्यादा वहाँ पर फोर्स लगाना पड़ेगा। जो हमारे थोड़ी सी यहाँ पर बीच में कन्वेक्स जो हो जाती है उसमें हमारा जो बीच का भाग वो कॉन्टैक्ट में आता है, वो हमारे साइड के भाग कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, इसलिए हमारी कम ताकत लगती है और अच्छे से वहाँ पर फाइलिंग हम कर पाते हैं। यहाँ पर सी भी आपको सही है, लेकिन सब तीनों सही आपका डी है। यहाँ पर बोल रहा है प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करने के लिए, ये भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर को मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं इसलिए भी हम कन्वेक्स करते हैं। सही बात है, हमारा दोनों हाथों पर प्रेशर एकदम मेंटेन, एकदम सही, एकदम एक्यूरेट रखना बिल्कुल संभव नहीं है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता रहता है, तो कन्वेक्सिटी से उसकी पूर्ति होती रहती है। क्वेश्चन नंबर 59 आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेरी स्मॉल चिप्स फ्रॉम मेटल सरफेस बाय मींस ऑफ शार्प एज टूल, व्हाट इज दिस टूल कॉल्ड, एक प्रोसेस में शार्प एज वाले टूल के द्वारा धातु की सरफेस के बहुत छोटे से चिप्स के रूप में काटा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करिए। इसका क्या बोल रहा है कि एक प्रोसेस है जिसमें शार्प एज वाले टूल, तीक्ष्ण कटिंग एज वाले टूल के द्वारा हम सरफेस के छोटे छोटे चिप्स के रूप में काटते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, गाइज स्क्रैपर कहते हैं। स्क्रैपर से हम हाई स्पॉट को हटाते हैं, तो स्क्रैपर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 आपकी स्क्रीन पर, बोल रहा है हेक्साब्लेड टीथ गेट डल ड्यू टू, हेक्साब्लेड के दांत किस कारण डल हो जाते हैं, तो हेक्साब्लेड के दांत जो हमारे होते हैं हाई स्पीड और प्रेशर के कारण डल होते हैं। प्रेशर नॉट रिलीज ड्यूरिंग रिटर्न स्ट्रोक, ये भी जब हमारा रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है और हम प्रेशर को नहीं हटाए तो भी हमारे डल हो जाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कूलेंट नॉट, जो अगर कूलेंट का प्रयोग नहीं करेंगे फिर हमारे डल हो जाएंगे, तो यहाँ पर बोल रहा है एनी ऑन ऑफ द एबव, यानी उपरोक्त में से कोई एक आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमने 60 क्वेश्चन को यहाँ पर आपका इंक्लूड किया है, और जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी प्रत्येक टेक्निकल एग्जाम के लिए एंड आपके लिए। सो आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।